परमेश्वराची कृपा, आपण सर्व बांधवांनी माझ्यासाठी केलेली प्रार्थना. आज काय दारू पिलेलं नाहीये, अनमॅनेजर झालेलं आहे, सगळं मॅनेज करायचा प्रयत्न करतोय वन डे टाइमच्या हिशोबाने. सर्व काही आनंदी चाललेलं नाहीये, पण सुखी आणि समाधान आहे मित्रांनो. अल्कोहोलिक मध्ये आणला गेलेलो मित्रांनो. बिल साहेबांचं वाक्य आहे, होपलेस हेल्पलेस हेड अँड माइंड अँड बॉडी, संपूर्ण हाताच्या आणि निराश अवस्थेमध्ये अल्कोहोलिक मध्ये आणला गेलेलो मित्रांनो. चारी मुंड्याची झालेला होतो, एक लोअर मिडल क्लास फॅमिली मधून बिलॉंग करतो, वडील मिलिटरी मध्ये होते आणि ते जरा कायद्याचे सक्त होते आणि मी लहानपणापासून आहे ना मित्रांनो, कायद्यामध्ये आणि शिक्षणामध्ये मला जास्त रस नव्हता. वेळेमध्ये मी एकदम पंक्चर माणूस होतो आणि माझे वडील मला म्हणायचे, तेरा कहता है कि तू जैक फॉर ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन है, तू काहीच नाही करू शकत, तू वेडा आहे, तू खेळायला लागला की खेळायला लागतो, अभ्यास करायला लागला की अभ्यास करायला लागतो, टीव्ही बघायला लागला की टीव्ही बघायला लागतो. तुला लाईफ लाईफ बॅलन्स करणं फार गरजेचं आहे, ते मला जमत नव्हतं. त्याच्यासाठी दारू प्यायची गरज नाही लागलेली मला, दारू पिलो म्हणून आजारी नाही, आजारी होतो म्हणून मी दारू पिलेली आहे मित्रांनो. आय एम अ बॉर्न अल्कोहोलिक. जब मेरे 17 साल में पहली बार शराब का धूप पिया था, उसका रंग भी अच्छा नहीं लगा था, उसका स्वाद भी अच्छा नहीं लगा था, उसने जो किक दिया था तो एवढी पॉवरफुल होती ना मित्रांनो, मी आईला विसरलो. क्योंकि मेरे 15 साल की उम्र में मेरे पिताजी का ध्यान हो चुका था और मेरे माँ ने मुझे बुला के बोला था, शराबी पण हमारे घर को दिया हुआ सबसे बड़ा शराब है, दारू मत पीना, क्योंकि हमारे परिवार की जो तरक्की है वो शराब की वजह से नहीं हुई, तेरा बाप पागल था, तू मत पागल बनना. ये मैंने वाक्य सुने थे और मैंने मेरे ध्येय को, मेरे एम्बिशन को पूरा करने के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया था और जिस कॉलेज में मुझे एडमिशन दिया गया था वहां पे शायद मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ पे मुझे एडमिशन मिलेगा. मेरे माँ ने मेरे पिताजी का नौकरी का स्वीकार किया था, उसने स्ट्रगल किया था. मेरे पिताजी 2 साल बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट थे, 4 नीरों की सर्जरी हो गई थी और उनके बाद उनका देहांत हो गया था, तो बहुत बड़ा कर्जा मेरे माँ के ऊपर आ चुका था दोस्तों. मैंने उनको स्ट्रगल करते हुए देखा था, अचार बनाते हुए देखा था, पापड़ बनाते हुए देखा था और जब नौकरी लगी तो उसने सोसाइटी का कर्जा लिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में वो काम कर रही थी, सोसाइटी का कर्जा लिया और मुझे बताया गया कि देख किसी भी प्रकार की छूट नहीं होनी चाहिए शिक्षण के, शिक्षण मध्ये हात राखणी नको, मी घाम गाळेन, तुझ्यासाठी वाटेल ते करेन. और ये वाक्य मैंने सुने थे दोस्तों, मेरी माँ को मैंने स्ट्रगल करते हुए देखा था, मेरे को मिलिट्री का यूनिफॉर्म पहना था, मेरे पिताजी ने मेरे लिए जो सपने देखे थे वो मुझे पूरे करने थे, जो मैं मेरे पिताजी माँ को देना चाहते थे वो मुझे देना था, एक छोटी बहन की पढ़ाई पूरी करनी थी, पर वो 17 साल में सब भूल गए थे, उसका रंग अच्छा नहीं था, उसका स्वाद अच्छा नहीं था, पर जो परिणाम था वो इतना इफेक्टिव था कि मैंने माँ को भूल गया. जो मेरे माँ ने मुझे पैदा किया था, मुझे जन्म दिया था, मेरा पालन पोषण किया था, उसके सपने को पूरा किया था, मैंने उसको भुला दिया और वो शराब के प्यार में मैं डूब गया था. हमारे यहाँ पे बोला जाता है परमानेंट प्रोग्रेसिव एंड पावरफुल डिसीज, ये बढ़ते जाने वाली बीमारी, और मेरा ऑब्सेशन भी इंस्टेंट फैसिनेशन में कन्वर्ट हो चुका था. शराब की अविवेकी ओढ़ जिसे बोला जाता है, शराब की मात्रा बढ़ रही थी और राउंड द क्लॉक का मैं शराबी बन रहा था दोस्तों. ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस वजह से हो रहा है ये मुझे नहीं पता, पर जो शराब मैंने मूड बनाने के लिए पी थी अब वो जरूरी बन चुकी थी, अब ये मेरे जरूरत का साधन बन चुकी थी. ऐसा बोला जाता है कि इंसान की 3 मूलभूत जरूरतें होते हैं, रोटी कपड़ा मकान, और इसके ऊपर शराब आ चुकी थी दोस्तों. कंडीशन सरेंडर होता था, क्राइसिस टू क्राइसिस सरेंडर होता था. जब जब मेरी फटती थी मेरी दारू रुकती थी, मेरी पढ़ाई आती थी, मेरी माँ मुझे बताती थी, समझाती थी, क्या था तू, क्या बन रहा है तू, क्या होता से तू, क्या झाला से तू, ये मेरे माँ के वाक्य थे. और मेरे बीच में होश में आता था, वो पागलपन से बाहर आ जाता था और मैं फिर से पढ़ाई करने के लिए कूद जाता था दोस्तों. और फिर वो नौकरी मिलती थी, पैसा आता था, पैसा आने के बाद भी मैं बहुत पागल बनता था दोस्तों, क्योंकि मैं पैसा मुझे अलग समझाता था, मुझे बताता था तेरे पास स्किल है, तेरे पास कौशल्य है, तेरे पास आज नौकरी है, तू अलग है. 22 साल में दोस्तों मैं होटल मैनेजमेंट में फर्स्ट रैंक से डिवीजन से पास हो चुका था, डिस्ट्रिक्ट में 4th रैंक आया था मेरा और मुझे लग रहा था कि आई एम डिफरेंट, आई कैन मैनेज, आई कैन हैंडल एवरीथिंग, ये मुझे लग रहा था. वो डिफरेंट नहीं था दोस्तों, वो इंसैनिटी थी, वो पागलपन था, ये मुझे ए में आने के बाद पता चला. 22 साल की उम्र में पैसा बहुत ज्यादा मात्रा में मिल रहा था मुझे, मेरा काम अच्छा था, मेरा वाहवाही हो रही थी और मेरी माँ समझाती थी पैसा आ रहा है पर पैसा टिका नहीं पा रहा है तू ये मेरे लिए मत कर, तेरे भविष्य के लिए कर, पर मैं सुनने के लिए तैयार कहां पे हूं. मेरी माँ को मैं बोलता था ये बुड्ढी तू ज्यादा मत बात कर, मेरा पढ़ाई क्या है, मैं बीएससी इन होटल मैनेजमेंट पुणे जैसे डिस्ट्रिक्ट में 14 आया हूं, तू रिजर्व बैंक में है, चपरासी की नौकरी करती है, तू मुझे बताएगी क्या करना है क्या नहीं करना, ये मुझे पता है, तुम मुझे समझाने का नहीं, तुम्हारे बाप का मैं पिता नहीं हूं, खुद कमाता हूं खुद पीता हूं, ये जन्मजीवी माँ को मेरे वाक्य थे. मतलब मैं दोस्तों शराब के नशे में, शराब के प्यार में मैं पागल बन चुका था, मैं दीवाना हो चुका था.
और दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता ये नौकरियां भी जाने शुरू हो गई थी। परफॉर्मेंस अच्छा होता था पर काम पे जाऊंगा तब परफॉर्म करूंगा ना, क्योंकि राउंड द क्लॉक शराब शुरू हो गई थी। जो शराब शाम को पीता था वो अभी सुबह आ चुकी थी और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मेरे माँ ने मुझे बुलाया समझाया और कुछ वर्ष के लिए मुझे भी ध्यान होता था, होश में आता था कि ये होना नहीं चाहिए, पर ये हो क्यों रहा है। तो दोस्तों शुरुआती दिनों में मुझे साइकेट्रिक के पास भेजा, साइकेट्रिक के पास भेजा गया और बोला गया कि इनका कुछ इलाज कराओ, ये पागलपन जैसे करते, क्योंकि शराब पीने के बाद मैं पागल बन जाता था। दोस्तों हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि बंदर का इंसान होने में बहुत शतक लग गए, बहुत साल गुजर गए, पर मेरे कुछ शराब के घूट पीने के बाद मंदर चाली शुरू करता था दोस्तों। और मैं डॉक्टर के पास गया और बोला कि मेरे को शराब बंद करना है या तो कम करना है, और वो डॉक्टर बोला कि हमारे पास दवाई नहीं है पर मैं एक दवाई देता हूँ। उन्होंने दवाई दिया दोस्तों, 4-5-6 दिन तक मैं दारू से दूर रहता था और अचानक दारू पीने जाता था और वो दवाई के बाद दारू पीने का और मेरे को किक लगता था और मैं बोलता था, खुश होता था, मेरी माँ को बोलता था मेरे को और दवाई लाके दो, ये डबल इफेक्ट करता है। ये पागलपन मेरा हो रहा था दोस्तों। आहिस्ता आहिस्ता नौकरियां जा रही थी, साइकेट्रिक होने के बाद मेरे को बाबाओं के पास लेके गया, बिग शॉट बाबा, मुर्गा काटा गया, बकरा काटा गया, मीठा खाना खिलाया गया, उपवास किए गए, पर शराब रुक रही है दोस्तों। और एक दिन ऐसे मेरी शराब बंद हो चुकी थी, नौकरी नहीं मिल रही थी और मेरे माँ को फोन आया कि मेरी माँ बहुत सीरियस है, मेरी दादी, तो मुझे गांव जाना पड़ेगा। और मैं सोया हुआ था दोस्तों बेडरूम में और मेरे लिए सब फैसिलिटी मिलती थी, एसी का रूम, टीवी, गाड़ी सब मिलता था, पर मुझे पैसे नहीं दिए जाते थे क्योंकि मैं राउंड द क्लॉक का शराबी बन गया था। तो मेरी माँ ने मुझे उठाया, बोला कि दाल चावल और भुर्जी बना के रखी है और फ्रिज के नीचे 500 की नोट है। और ये 500 की नोट है ना, ये मेरे लिए बहुत जरूरी थी क्योंकि बहुत दिनों से मैंने शराब नहीं पी थी और मुझे अभी शराब पीने का मौका मिला था, घर खाली मिला था। और वो पागल विचार मेरे में आ गया और मैंने दोस्तों माँ के जाने का इंतजार किया। जैसे ही माँ चली गई, वो जाने तक मैंने कुछ भी नहीं किया और वाइन शॉप में गया, क्वार्टर लेके आया, चिप्स लेके आया, सोडा लेके आया और माँ जा रही है कि नहीं ये देखने के लिए माँ को फोन किया। मैं बहुत साना आदमी हूँ, बेवड़ा हूँ, एड़ा नहीं हूँ मैं, हाँ शराब के लिए एड़ा हूँ पर चालाक हो तू। मेरे माँ को मैंने फोन किया, माँ तू बेटी के नहीं। जैसे ही मेरे को बस का आवाज आया मैं बोला सांग बोला चेस करो, अभी मेरे को सब आजादी मिल गया। और वो मैंने 500 रुपए की पूरी दारू पी ली दोस्तों, ना खाना खाया, ना मैंने वो माँ ने जो दाल बनाया था वो नहीं खाया, ना चपाती खाई। दूसरे दिन उठते ही वो फिनोनोमा क्रेविंग, फिजिकल क्रेविंग मेरी शुरू हो गई थी, मेरे अंदर डर भर गया था, मेरे अंदर एंजाइटी भर गई थी और मेरे को तो उधार रहने वाला कोई नहीं था। अगर मैं मेरे माँ को बोलता या मेरे मौसी को बोलता या मेरे पड़ोसियों को बोलता कि मेरे को पैसा दो, तो भी कोई पैसा नहीं देता था। मैं ऐसा बोलता कि मेरी माँ मर गई है तो भी मेरे को पड़ोसी पैसा नहीं देने वाले थे क्योंकि मेरे ऊपर से उन्होंने विश्वास हो दिया था और मैंने गवा दिया था दोस्तों। तो मैं अभी क्या करूँ। और उसने मैं दोस्तों मेरे कबड़ के ऊपर मेरी नजर गई, वो कबड़ में मेरे पिताजी मिलिट्री में सर्विस करते थे, रिटायर हो चुके थे, वहां पे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था इसके लिए उन्हें स्टैचू दिया गया था। अच्छी नौकरी की आपने, सेवा की सेना की, तो आपको एक स्टैचू दिया जाता है। और वो स्टैचू दोस्तों उसके ऊपर मेरी नजर गई और वो मैंने स्टैचू निकाला और वो मैंने बैग में डाला और मैंने बोला कि ये तो मेरे पिताजी की एक आखिरी निशानी है जिससे मेरी माँ की भावनाएं जुड़ी है, मेरी बहन की भावनाएं जुड़ी है। मैं उतने में एक पागल विचार मेरे मन में आया, मेरा बाप ही नहीं रहा तो ये स्टैचू का करूंगा क्या भाई, इससे मेरी तलब जाने वाली है, इससे मेरा नशा मिलने वाला है तो मैं रखूंगा नहीं। और दोस्तों टॉप स्पीड पकड़ के भंगार के दुकान में गए, भंगार के दुकान में गया, वो थैली से मैंने स्टैचू निकाला, वो भंगार वाला देख रहा है दोस्तों। मैं उन्हें बोला कि ले लो भाई, इसका कितना मिलेगा, क्योंकि मेरे को क्रेविंग मेरे को है ना दोस्तों चेन से नहीं बेचनी दे रही। मैं रेस्टलेस हूँ, मैं रेडेड हूँ, मैं डिस्कंटेंट हूँ, मैं अस्वस्थ है, मैं वैतागलेला है, मैं असमाधान है, भला पाइजे हो। और मैंने बोला कि भाई इसका जो भी बनेगा मेरे को दे दो, मेरे को बहुत अर्जेंट पैसे की जरूरत है। और उसने देखा और उसने बोला 300 रुपया दूंगा। 300 क्या हो, 200 देता तो भी मैं लेने वाला था। 200 रुपए में मेरी देसी की 4 क्वार्टर आने वाली थी, मेरा चकना भी उसमें मैं एडजस्ट करने वाला था। मैं बोला भाई 300 नहीं चाहिए, 400 देगा तो बोल, 400 रुपया चाहिए मेरे को। वो नहीं दिया, वो लिया पैसा मैंने दोस्तों, वो गिना भी नहीं, सीधा जेब के अंदर डाल दिया मैंने और सीधा दोस्तों कंट्री बार की तरफ भाग गया मैं। और 300 रुपए की पूरी दारू पी मैंने उस दिन, खाना वैसे फ्रिज में सड़ रहा है, चपाती वैसी ही है, भुर्जी वैसी ही है, दाल वैसी ही है और दोस्तों सब बोतलें बिखरी हुई है, दरवाजे को लॉक नहीं लगाया हुआ है, टीवी चालू है, वॉशिंग मशीन चालू है कपड़े की। और दोस्तों दूसरे दिन उठा तो वॉशिंग मशीन से पानी भर गया था पूरे रूम में। जैसे तैसे उठा दोस्तों फिर से वो क्रेविंग उठा रही है, अभी बेचने के लिए
कुछ भी नहीं है, अभी करूँ तो करूँ क्या, माँ तो और एक दिन नहीं आने वाली। तो मेरी नज़र दोस्तों वो कूलर के ऊपर गई। ये कूलर मेरे पिताजी जब जम्मू कश्मीर में रहते थे तभी उन्होंने वहां के लिए लिया था दोस्तों, क्योंकि एक साइड से गर्म हवा देता है और गांव में लेके आएंगे तो ठंडी हवा देता है, दोनों तरह उपयोग होता है। और मेरी माँ ने उसको बहुत जतन करके रखा था, मेरे पिताजी का निशानी था। और मैंने वो उठाया दोस्तों और फिर से वही बंगर वाले के पास गया और मेरे को बोला कि भाई इसका क्या देगा, वो बोला 200 रुपया दूंगा। उसको मालूम पड़ गया था इसको जितना देगा उतने में ये संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि ये पागल है, ये अपनी घर की चीजें अपने शौक पूरा करने के लिए बेच रहा है, तो इसको जो देगा उसमें ले लेगा। मैंने वो 200 रुपया ले लिया दोस्तों और उधर से मैंने बोला कि भाई मेरे को पैसे तो घर तक छोड़ देना, मेरे को घर तक जाने का है, मेरे को चलने नहीं आ रहा दोस्तों, मेरे कदम लड़खड़ा रहे। जैसे जैसे मैं वो वाइन शॉप तक गया, उधर से क्वार्टर ली, वो बंदे ने मेरे को घर पे छोड़ा और बोला तू पागल बन चुका है। मैं बोला मैं पागल नहीं है रे, मैं सही है, मेरा स्टार खराब है, राहु केतु का दशा खराब है, शनि का 7.5 है, मेरा स्टार खराब है रे, मैं पागल नहीं है, तुम लोग पागल है साले। और मैंने दोस्तों दारू पी ली। मेरी माँ जैसे ही राहु से आई ना, उसने देखा घर में वो स्टैचू नहीं है, घर में वो कूलर नहीं है, घर तहस नहस हो चुका है। मेरी माँ रोने लगी, वो एक ही बात बोली, तूने मेरी भावनाओं की कभी कदर नहीं किया, तूने मरे हुए बाप की कदर नहीं किया, तू क्या बन चुका है, तू राक्षस बन चुका है। और मैं दोस्तों सच में राक्षस बन चुका था, मैं सच में हैवान बन चुका था, ये क्यों हो रहा है। अभी दारू तो मुझे भी रुकाना है, दारू तो मुझे भी नहीं पीनी, मुझे आम लोगों की तरह नौकरी भी करनी है, आम लोगों की तरह जिंदगी भी जीनी है, मुझे शादी भी करनी है, पर हो नहीं पा रहा है। मैं हर रात को सोने से पहले यही कसम लेता था कल से दारू बंद, कल से दारू नहीं पीऊंगा, पर सुबह उठने के बाद मैं वो बाहर की तरफ क्यों जाता हूँ, मुझे पीनी नहीं तो भी मैं क्यों पी रहा हूँ, ये सवालों के जवाब नहीं मिल रहे दोस्तों। सब उपाय हो गए, घर बदला, जगह बदली, ब्रांड बदले, दोस्त बदले, सब हो गया, अभी करूँ तो करूँ क्या। और उतने में मेरे को बोला गया कि देख तुझे सुधरना है तो तू सुधर, वरना तू मर जा। उतने में दोस्तों मेरी बहन आ गई थी, मेरी बहन के साथ मेरे संबंध अच्छे नहीं थे, और उस दिन मैंने जैसे तैसे जुगाड़ करके दारू पी लिया। मैं बहुत जुगाड़ू आदमी हूँ दोस्तों, मैं जुगाड़ जहाँ वहां से कर लेता हूँ, और मैं फुल फायर होकर आ गया और मेरे बहन का सबर का बांध टूट गया। वो शराबी नहीं है, उनको समाज में सोसाइटी में इज्जत है। वो बोली कि देख माँ ये तेरे को मारने वाला, ये सांप है, ये तुझे डसने वाला है, ये ना केड़ा बन के पेड़ा खा रहा है, इनको तुम सीधा घर के बाहर निकालो। मैं गुस्सा हो गया दोस्तों, मैं बोला कि मैं एकलौता लड़का हूँ, मैं वारिस हूँ, तू उधर रहती है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं माँ को संभालता हूँ, मुझे ऐसा लगता था मैं सब कर रहा हूँ, सब मैनेज कर रहा हूँ, पर नहीं हो रहा था। मेरी बहन बोली तू पागल है। मैं बोला तेरा बाप पागल, मेरे बहन को मैंने आधी रात को मेरे घर से निकाला। जैसे जैसे मैं दारू पिया था, मेरे माँ ने मुझे बेडरूम में लाके सुलाया। मेरी माँ ने मेरी बहन को बोला ये ज्यादा शराब पी लिया है, ज्यादा दारू पीने के वजह से बड़बड़ कर रहा है, सुबह दारू उतर जाएगी, ये तुझे लेके आ जाएगा, ये तुझसे माफी भी मांगेगा। पर दोस्तों सुबह जैसे ही हुई मैंने माफी नहीं मांगी, मुझे वो जानी चाहिए थी, वो गई क्यों नहीं, मैंने यही पूछा। मेरी बहन बोली देख ये शराब के प्यार में पागल बन चुका है, मैं निकल जाती हूँ। और वो जाते जाते कुछ अनाप शनाप बक गई दोस्तों, मैंने उसको दो झापड़ मारे। मेरे पिताजी नहीं है, मैं उसका आया एक बड़ा भाई हूँ, मतलब बाप के समान हूँ, मैंने उसको घर के बाहर निकाला। चालू इसमें मेरी माँ बीच में आ रही थी, मैंने माँ को बोला कि देख बुड्ढी मेरे बाप का घर है, मेरे बाप की नौकरी तूने हटाई है, मुझे मिलने वाली थी तूने हटाई है, ये पागल विचार, ये पागल सोच मेरी हो रही है दोस्तों। मैंने मेरी माँ को और मेरी बहन को घर के बाहर निकाला। वो जैसे तैसे मेरी बहन तो निकल ही गई। अगले 7 सालों तक मेरी बहन ने ना राखी का त्योहार मेरे साथ मनाया, ना भाई दूज मनाई, कुछ भी बात नहीं की। पर ये मैं उसमें भी खुश हूँ क्योंकि मुझे घर मिल गया है, मुझे आजादी मिल गई है, मुझे आजाद चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे लोग नहीं चाहिए, मुझे पैसा देने वाले अपने भाई बोलने वाले लोग पसंद है। मेरे लिए शैतान कौन है, मेरी बहन जो मुझे अच्छा समझा दी थी, मेरी माँ मेरे लिए शैतान है, मेरा मौसा मेरे लिए शैतान है, अभय भाई बोलने वाले दारू पिलाने वाले लोग मेरे लिए अच्छे। मैं पागल क्यों बनाऊ दोस्तों, शराब पी रहा हूँ इसके लिए पागल नहीं। अच्छा और बुरे का फर्क मेरे से चला गया, मेरे को क्या अच्छा क्या बुरा यही नहीं समझ में आ रहा है। और इसमें ही दोस्तों मेरी माँ ने मुझे एक बाबा के पास लेके गई, वहां पे मेरी ट्रीटमेंट कराई। थोड़े दिन तक मैं शराब से दूर था, नौकरियां तो जा ही रही थी दोस्तों। और इसी बीच में मेरी माँ ने मुझे बताया कि तू कुछ व्यवसाय करेगा क्या। मैं बोला हाँ मैं करूंगा, ट्रिपल ब्लीजिंग एंड मैनिपुलेशन मेरे हथियार है, इनको मैंने निकाला, ये तलवार है मेरी, मैंने निकाला और मैंने मीठी छुरी की तरह उनको झांसे में ले लिया। और मैंने बैंक करप्ट थी, मैं बैंक करप्ट आइडियोलॉजिस्ट हूँ यार। मैंने उनको बोला कि मेरे को एक बिजनेस करना है, आपको ये सोने का सिक्का मिला है ये मुझे दे दो,
इससे हमें 15,000 रुपया हर महीने आएंगे, 30,000 रुपया हर महीने आएंगे। इसमें से कुछ रकम तुम्हारी रहेगी, कुछ रकम मेरी रहेगी और कुछ रकम बहन को भी जाएगी। मेरी माँ बोली हमको कुछ मत दे, वो पैर जोड़ी हाथ जोड़ी बोला दारू मत पीना। मैं बोला पागल है क्या, पिछले बार आकड़ियों के ऊपर सूजन आ गया, बिलू रूबिन बढ़ गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, नागिन हो गई, अभी दारू पीऊंगा क्या मैं, नौकरी चली गई और तू बोलते मैं दारू पीऊंगा, पागल हूं क्या मैं। मैं मेरी माँ को जैसे तैसे झांसे में ले लिया, बॉटल में उतार दिया। उसने वो सोने का रिजर्व बैंक को 75 ईयर्स हो गए थे, वो सोने का सिक्का मेरे हाथ में दिया। मैंने कोई तो फाइनेंस कंपनी में वो रख दिया जिससे हमें गोल्ड मॉर्गेज रखने के पैसे मिलते। और मैं सीधा दोस्तों बिना कपड़े लिए गोवा भाग गया, जो मुझे अभय भाई बोलते थे ना उनके साथ भाग गया। वो गोवा में 3-4 दिन तक मैंने बहुत मजे किए। जैसे ही मेरे पैसे खत्म हो गए, मेरा मोबाइल मैंने बेच दिया, मेरे सब जेवरात मैंने बेच दिए। उसके बाद मैं अकेला पंजी स्टेशन के ऊपर गिरा हुआ था, एक सड़ा हुआ कुत्ता भी मेरे से अच्छे अवस्था में होता है, एक भिखारी भी अच्छे अवस्था में होता है, उस अवस्था में मैं था। मैं रो रहा था, मैं गिड़गिड़ा रहा था, मेरा दोस्त मेरे साथ नहीं है, कोई नहीं है मेरे साथ। और वो लोगों के पास मैं जाके बोला कि मेरे को जैसे जैसे पनवेल तक पहुंचा दो, और ग्रेस ऑफ गॉड में पनवेल में आ गया दोस्तों। और मैं जैसे तैसे घर पे गया, मेरे को देख के मेरी माँ चिल्लाना शुरू कर दी। मेरी माँ बोली कि हे ईश्वर, अगर तू है तू इसको खत्म कर, नहीं तो मुझे खत्म कर, ये खुद पागल बन चुका है और इसके वजह से मैं पागल बन चुकी हूँ। ये खुद जी रहा है ना मुझे जीने दे रहा है, ये मुझे मारना चाह रहा है, मुझे इसमें से आजाद कर। दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। नहीं, मेरी इतनी पढ़ाई है, मेरी इतनी इच्छा शक्ति है, मैं इतना टैलेंटेड हूँ, मैं इतना अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ, इतने अच्छा मैंने होटल का बिजनेस किया है, पर ये आज क्यों हो रहा है। तो ये हो रहा था दोस्तों, विल पावर मेरी आज मेरे हाथ से चली गई। मेरी इच्छा शक्ति शराब के सामने नहीं चलेगी, पर यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं। मेरा अहंकार बीच में आता है, मेरा डिनायल बीच में आता है दोस्तों। और इसी बीच में दोस्तों मेरी जो गर्लफ्रेंड थी, जो मेरे साथ 5 सालों तक थी रिलेशन में, जो मेरे लिए अपने माँ बाप से झगड़ा कर ली थी, उसके माँ बाप ने बोल दिया था तू पागल है, इसके साथ शादी करने से अच्छा कुएं में जान दे देना। उसने मेरे लिए उसने अपने जन्मदिन में माँ बाप के साथ झगड़ा किया था, उसके ऊपर मैं शक लेता था, उसको मारता था दोस्तों बिना शराब किए। भर रस्ते में मैंने उसको कान के नीचे मारा है, उसका पर्स निकाला है, उसका मोबाइल निकाला है, उसके बावजूद वो मेरे साथ ही। पर एक दिन दोस्तों मेरी हद हो गई, उसकी सहनशीलता का अंत हो गया। वो मेरे पास आई और बोली कि देखो हमारे बीच का जो रिश्ता था आपने खत्म कर दिया, आप इंसान नहीं हो, आप पागल हो, आप इंसान के बीच में एक भेड़िया हो, आप शैतान हो, आप इंसानों की तरह दिखते हो पर इंसान नहीं हो, आपकी सोच इंसानों जैसी नहीं है, आपकी कृति इंसानों जैसी नहीं है, आपको साइकेट्रिक की जरूरत है। और मैं बोला तेरे बाप को साइकेट्रिक की जरूरत होगी साली, तेरे को मालूम है मेरी प्रॉपर्टी कितनी है। बोली वो तेरी प्रॉपर्टी नहीं है रे, वो तेरी माँ की प्रॉपर्टी, तू 2 सालों से माँ के टुकड़ों पे पल रहा है, तू खुद को मर्द समझता है क्या। अरे तेरे से अच्छा तो शंड रहते, हिजड़े रहते, वो कम से कम अपना पेट भरने के लिए 2 वक्त का रोटी का गुजारा तो करते, तेरे जैसे मर्द से अच्छा शादी करने से अच्छा मैं ना मर्द से शादी करूंगी। और मैं बोला कितनी पागल है ना, इसका घर बसने वाला था, इसको अच्छा परिवार मिलने वाला था, इतना टैलेंटेड पति मिलने वाला था, और ये छोड़ दी, ये क्या है, ये सुअर की औलाद है, ये लोग सुधरने वाले नहीं है। और दोस्तों मैं उसको पागल ठहरा रहा हूँ, पर पागल मैं बन चुका हूँ, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। लोगों को मालूम पछवाड़ चुका है ये शराबी है, और ये शराबी नहीं ये पागल शराबी है, ये लोगों को मालूम है पर मुझे नहीं मालूम मैं ये क्यों कर रहा हूँ। फिर मेरे माँ ने बुलाया दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के बिल भर गए थे, क्रेडिट कार्ड वाले घर पे आना शुरू हुए थे, मैंने साहूकार लोग से भी पैसे लिए थे, क्योंकि मेरी माँ रिजर्व बैंक में काम करती थी, बड़े पोस्ट पे थी, तो मुझे पैसे आसानी से मिल जाते थे। और वो 10,000 का 12,000 लूंगा, 10% से लूंगा, 12% से लूंगा, उससे मेरा पैसे बढ़ रहे थे। और एक दिन सभी लोग इकट्ठा हो गए, सभी लोग इकट्ठा हो गए और मेरे घर पे आ गए। मेरी माँ ने समझ में आ गया था इसमें कुछ तो लफड़ा कर दिया, मेरे को माँ ने छुपाया। और माँ ने उनको बोला कि देखो आपके जो भी पैसे हैं हम लौटा देंगे, मुझे थोड़ी मोहलत दे दो, मैं एक गरीब औरत हूँ, मुझे इज्जत बहुत प्यारी है, मैं आपके थोड़े थोड़े करके पैसे लौटा दूंगी। वो अंदर आई और मेरे को बोली क्या हो गया, क्या किया है तूने। मैं बोला वो पागल लोग है यार, वो मैंने दोस्तों को उधार लेके दिया ना, उसके वसूली के लिए मेरे पास आए थे। मेरी माँ ने क्लियर बोल दिया तू पैसे उधार देगा ऐसा लगता नहीं, तू दारू पिलाएगा, दोस्तों को खिलाएगा, तू पैसे देने वाला नहीं है, मैं तुझे बचपन से जानती हूँ। अबे तू पागल है, तू अभी भी होश में नहीं आ रहा है, तूने जो पढ़ाई की है ना इसमें तू आसानी से अपना गुजारा कर सकता है, पर मैं करने के लिए तैयार ही नहीं, मैं समझने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। और दोस्तों ऐसे ही कर्जे पड़ते गए, मेरी माँ को नौकरी छोड़नी पड़ी 2 साल पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की,
मेरे लिए मेरी माँ बोली कि मेरा लड़का ही ठीक नहीं है तो ये पैसे क्या चाटूंगी, ये पागल बन चुका है, इसका इलाज कराना जरूरी है। और मेरे को दोस्तों रियाब ने आखिर में भेज दिया, वो रियाब में भेज दिया। मेरे सब हार गया था, मेरे पास नौकरी नहीं थी, मेरे पास छोकरी नहीं थी, मेरी इज्जत नहीं थी, मुझे सोशली बाइकआउट कर दिया था, मैं कुत्तों के साथ बात करना शुरू कर दिया था दोस्तों, रोड पे बैठता था कुत्तों के साथ बात करता, क्योंकि मेरे साथ बात करने के लिए कोई नहीं था, मेरे साथ कोई बात नहीं कर रहा है। आखिर के दिनों में दोस्तों रियाद में जाने से पहले देसी बार में बैठता था, 30 रुपए का क्वार्टर लेता था, उसमें आइस डालता था, पानी डालता था, कपड़े अच्छे पहनता था, बॉडी स्प्रे मारने का, टीका लगाने का, भुर्जी चपाती लेके जाने का, और वो 30 आराम आराम से पीने का, और थोड़ी 30 पीने के बाद, 60 पीने के बाद, 90 पीने के बाद कौन बकरा आ रहा है ये देखने का, उसमें पानी डाल के रखने का, और जैसे ही कोई बकरा आ गया इंग्लिश न्यूज़पेपर निकालने का, इंग्लिश बातें करने का, प्रवचन देने का, आध्यात्मिक प्रवचन, धार्मिक प्रवचन, और वो लोग मुझसे इम्प्रेस होते थे। वो बोलते थे क्या लड़का है यार। मैं बोलता था भाई साहब 30 रुपया है क्या आपके पास, 30 रुपया दो मेरे को, मैं पूरा स्टोरी बताऊंगा, ये तो सार बताया, सारांश बताया, इसका पूरा जानकारी चाहिए तो 30 रुपये का लेकर। वो बेचारा 30 रुपए का लेके आता था, और वो एक क्वार्टर पीने के बाद मेरी किक लगती थी, और मैं राजनेता बनता था, पॉलिटिक्स के ऊपर चर्चा करने का, भारत का कप्तान कौन होगा, अगला राष्ट्रपति कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, पहले बैटिंग खेलनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए, कोच बाजू में, कैप्टन बाजू में, मैं वहां पे विश्लेषण कर रहा हूं। मेरी जिंदगी एक्सपायर हो चुकी है, वाट लग चुकी है, ये मैं देख रहा नहीं हूँ, मेरा घर कैसे चल रहा है, मेरी बहन की पढ़ाई कैसे हो रही है, मेरी माँ कहाँ से कमा के ला रही है, ये नहीं देख रहा हूँ, पर मैं उनको सल्ले दे रहा हूँ, मैं वकील बन गया हूँ। और लोग आते जाते बोलते थे ये पागल बन चुका है, पढ़ा लिखा पागल देखा है हम लोग ने, जो अच्छे कपड़े पहनता है, जो अच्छी बातें करता है, ये पढ़ा लिखा पागल है। लोग मेरे से कन्नी काट रहे थे दोस्तों, और आखिरी के दिनों में मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी हूँ, मैं बहुत बड़ा त्रिलोक को ज्ञानी आदमी हूँ, पर मैं दोस्तों मैं ज्ञान मेरा था पर शराब के सामने नहीं था। रियाब में भेजा गया मुझे, और वो रियाब में जाने के बाद मुझे फिर से वही बताया गया, बीमारी है, इट इज अ थर्ड नंबर ऑफ किलर डिसीज, इट इज अ परमानेंट प्रोग्रेसिव पावरफुल मेंटल ऑब्सेशन कपल्ड विद फिजिकल एलर्जी स्पिरिचुअल बैंगरसी। मैंने बोला मैं लंगड़ा नहीं है, मेरे पैर टूटे नहीं है, दो पैर पे आया दो पैर पे जाएगा, तुम शराबी हो, मैं आई एम नॉट अ डिफरेंट, मैं सही हूँ, तुम अलग होंगे, तुम्हारी फटी होगी, मेरे पास आज भी घर है, मेरे पास आज भी नौकरी मिलने वाली है, लात मारेगा उधर पानी निकालेगा दोस्तों। और लात उठाने के लिए आखिरी दिनों में मेरे को एक 90 भी नहीं पड़ती थी, चल नहीं पाता था मैं, चल नहीं पा रहा हूँ मैं, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है मालूम नहीं। वो काउंसलर मुझे बताता था ये बीमारी है, मैं सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ, डिनायल, डोंट इवन नोटिस आई एम लाइंग, डिनायल मेरे अंदर ढूंढ ढूंढ के भरा है, मैं मान्य करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये बीमारी का सबसे बड़ा पार्ट है, ईज एंड कंफर्ट मिलता है, ईजन है यार इसमें, ईज एंड कंफर्ट मिल रहा है ना मेरे को, मैं छोड़ेगा क्यों, शराब ने मेरे को करेज दिया है, मेरे को हिम्मत दिया है, धैर्य दिया है, मैं छोड़ेगा गाय के लिए, क्योंकि मैं मेरा नुकसान ही नहीं बता रहा, नेशनलाइजेशन है मेरे पास, मिनिमाइजेशन है, मैं होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, पावरलेसनेस एक्सेप्ट नहीं करेगा रे। और दोस्तों और यार मैं मास्किंग प्रोग्राम किया, पागल बन के मैं जी रहा था, सबको दिखा रहा हूँ कितने बेवकूफ है, मैं दिन काट रहा है, खाया पिया खड़े रहो, नंबर आया खड़े रहो, ये स्लोगन मैंने अप्लाई किया। 94 डेज बाद मेरा डिस्चार्ज हो गया, मेरी बहन बेटी थी, मेरी माँ बेटी थी, मेरी माँ बोली इसके बाद दारू पीगा क्या, पागल है क्या तू, मैंने 12 कदम पड़े, बिल क्या कहता है, बॉब क्या कहता है, विलियम डी सिल्वर क्या कहता है, अरे मेरे को पूछो ये 12 कदम कैसे करने के, प्रार्थना सेरेनिटी प्रेयर बोल के दिखाओ क्या। और मेरी माँ बोली डिस्चार्ज करा दो, डिस्चार्ज करा दो फटाफट, मेरा लड़का सुधर गया, 360 डिग्री परफॉर्म, पर्सनैलिटी चेंज हो गया, और उधर से निकल गया। अब मैं रिक्शा में बैठा था, मेरे को फिर से वो काउंसलर बोल रहा था मीटिंग करना, मैं बोला ये बुड्ढे लोग का मीटिंग है, WHO को चैलेंज करता है मैं, ये थर्ड नंबर ऑफ किलर डिसीज क्या है, मैं कम पी के दिखाएगा, तुमको मालूम नहीं हुआ ना, ये पागल थॉट मेरे मन में आ गए, पागल विचार है, डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, इसी को तो इंसैनिटी बोलता है ना यार, वही चीज बार बार लगातार कर रहा हूं मैं, और वही चीज मैंने भाग रखी की मीटिंग नहीं की, स्पॉन्सर नहीं लिया, मैं बोला मेरा स्पॉन्सर नहीं, इनको क्या लगता है ये बीमारी आ रही, मैं कम पी के दिखाता है। और दोस्तों 14वें 15वें दिन मेरे हाथ में दारू आई थी, मैं WHO को चैलेंज किया था, मैंने अल्कोहल एनोनिमस को चैलेंज किया था, जो 1935 में तुमने एस्टेब्लिश किया ना उसको चैलेंज करता है, या वे इतने लोग ओल्ड टाइमर बोल रहे हैं जो 30 साल है 20 साल है 25 साल है, ये पागल, इनको मैं पागल घोषित कर रहा हूँ, मैं पागल नहीं, ये बुड्ढे लोग का पेंशन मिलता है इधर आके बैठते, इनको दिमाग नहीं है क्या, घर पे जाओ ना पोता पोती के साथ खेलो ना, मेरे को खड़ा रहने का 25 साल का उम्र है यार, मेरे को फिर से खड़ा रहना पड़ेगा ना, मेरे को गर्लफ्रेंड लानी पड़ेगी, मेरा गया हुआ रिस्पेक्ट प्रेस्टीज मेरे को कमाने का, ये मीटिंग अपना नहीं है। और मैं थोड़ा पीने गया दोस्तों, एक दो दिन मैंने कंट्रोल में पी,
मैंने बहुत कंट्रोल में दारू पी। चौथे पांचवें छठवें दिन मैं कब आया, कौन लेके आया, कैसे लेके आया, कुछ याद नहीं है। मेरी पालकी निकल चुकी थी, रिहैब में मैं लाया गया था। वो रिहैब में लाया और मेरे को फिर से बोला कि शांत रहे, ये बिग बुक पढ़, बिग बुक मेरे हाथ में दिया गया, ये बिग बुक मेरे हाथ में दिया। इसमें बोला कि खुद को ढूंढने का, ये बिल की स्टोरी नहीं है भाई। तू बिल को पागल मत बोल, तू डॉक्टर बॉब को पागल मत बोल, तू रोने हेदार को पागल मत बोल। अरे तू इसमें खुद को ढूंढेगा ना, तेरे को तू मिलेगा। बिग बुक बात करता है यार, बिग बुक के साथ तेरे को बात करना पड़ेगा, उसमें खुद को ढूंढना पड़ेगा। और दोस्तों इस बार मैंने किया हूं, 14 साल मैंने ये प्रयोग किए, 14 साल। और मेरे को दो ही सवाल बिग बुक पूछता है, दो ही सवाल, ये 12 सवाल, 44 सवाल, 30 सवाल नहीं, दो ही सवाल। ऑनेस्टी से उच्चा होते हुए भी तू छोड़ पाता है क्या? नहीं ना, 14 साल वही कर रहा हूं मैं, 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना। वो पागल थॉट आता है और वो पागल थॉट ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में कन्वर्ट होता है। मैं रोक नहीं पा रहा हूं, वो ऑब्सेशन निकाल ही नहीं पा रहा हूं। कोई भी मानवीय शक्ति नहीं निकाल पाएगा ना, तेरा डॉक्टर, तेरी माँ, तेरी बीवी, तेरे बच्चे ना, यहां तक खुद तू, क्योंकि शराब के मामले में तू पागल है, तू पागल बन चुका है। सो कॉल्ड विल पावर प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेड एज पर अभय कंसर्न। बिग बुक बोलता है अल्कोहलिक, मैं बोलता है अभय के कंसर्न में। और दूसरा सवाल है कि इच्छा होते हुए भी तू छोड़ नहीं पाता तो क्वांटिटी के ऊपर कंट्रोल करता है क्या? अरे क्वांटिटी के ऊपर तो कंट्रोल होता ही नहीं है भाई, थोड़ा पीने बैठता फेविकॉल चिपक जाता है मेरे को। तो तू शराबी है, तू शराबी है कि नहीं, तेरे को डायग्नोस करना पड़ेगा। और दुआ मैंने डायग्नोस कर लिया, मैं अभी एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा, मैं पागल हूं, मैं इंसेन हूं, मेरे को सेकेंड स्टेप भी बोल रहा है, सेकेंड स्टेप भी बोल रहा है। कोई को उच्च शक्ति ही मेरा मानसिक निरोगीपन मुझे फिर से दे सकती, मेरी सैनिटी को लौटा सकती, मैं नहीं लौटा पाऊंगा, ये मेरे को मानना पड़ा, मेरे को सरेंडर करना पड़ेगा। हमारे यहां पे बोला जाता है सरेंडर टू विन। जैसे जंग में मैं एक सेना हार जाती है, अपने घुटनों के बल पे बैठ जाती है, समर्पित कर देती है, वैसा मेरे को शराब के सामने समर्पित करना पड़ेगा। ये पागल थॉट को निकालना पड़ेगा, समवेयर समडे आई बीट द गेम। शराबी का सबसे बड़ा ऑब्सेशन क्या है? मैं शराबी नहीं बोलूंगा, अभय का बोलूंगा। अभय का सबसे बड़ा ऑब्सेशन है कभी तो कहीं तो थोड़ी पिएगा, करोड़पति बनने के बाद भी, लड़की पटाने के बाद भी ये पागल थॉट मेरे में आ सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक स्लोगन दिया जाता है, वंस द एल्कोहलिक ऑलवेज एन एल्कोहलिक। एक बार का शराबी मरते दम तक का शराबी, पर एक बार का सोवर आज के दिन का सोवर। आज के दिन सोवर रहने के लिए तुझे ये पहला कदम 100% लेना पड़ेगा, इंसैनिटी को कबूल करना पड़ेगा। इंसैनिटी शराब में नहीं है, रिलेशनशिप में। मेरे माँ को मैंने बोला ना, बिना दारू पे बोला, ए घर से क्या बाहर निकल, घर के बाहर निकल। ये इंसैनिटी रिलेशनशिप में है, ये इंसैनिटी पीने से पहले पीने के बाद है, अहंकार की भी है, ये आने के बाद भी वो इंसैनिटी बढ़ जाती है। मेरे को प्रेस्टीज नहीं मिला भाई, मेरे को शेयरिंग नहीं मिली, मेरे को ग्रुप का ट्रेजरर नहीं बनाया। वो इंसेंट थॉट आता है मेरे को रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट शुड बी कमांडेड ना, नॉट डिमांडेड। मैं डिमांड करता हूँ, डिमांडिंग नेचर है मेरा। तो ये इंसैनिटी मेरे घर पे भी निकलती है। जैसे कि मैं थोड़े दिन पहले घर पे बैठा था और मेरी माँ ने कुछ कपड़े लाए जो मुझे पूछे नहीं, और वो इंसैनिटी थॉट आ गए, इंसेंट थॉट आ गए। मैं चिल्लाया माँ के ऊपर, तुरंत चिल्लाया, वो वेड़ा विसर होऊन गेला, वो काय हिला कळत नाही का म्हातारीला, पैसे मी कमवतो ना, आता कसे वापरले पाहिजे कळलं पाहिजे तिला, पैसे कैसे इस्तेमाल करने उसको मालूम होना चाहिए। ये पागल है क्या? इसको समझ में आना चाहिए ना, पैसों का सही इस्तेमाल कैसा किया जाता है, इसको समझ में आना चाहिए। ये लोग को समझता नहीं है क्या? और वहां पे मेरे स्पॉन्सर आया और स्पॉन्सर ने बोला कि तू पागल है, तेरी माँ पागल नहीं। उन्होंने 14 साल का तब पूरा किया है, इट इज द मोस्ट कॉस्टलीस्ट मेंबरशिप। अगर यहाँ पे कोई बोलेगा आपको कि ये फ्री में मिलती है, देर इज नो फीस एंड ड्यूज, तो नहीं भाई, यहाँ पे मेरे 14 साल का तब है। मेरी मैं झूठ बोलूंगा, मेरी माँ नहीं झूठ बोलेगी आपको। 14 साल का एक तब मेरे माँ ने गुजारा है। आई एम नॉट अ लकीएस्ट पर्सन, आई एम अ ब्लेस्ड पर्सन। मैं लकी नहीं हूं पर ब्लेस्ड पर्सन हूं, क्योंकि मेरी माँ के कुछ कृपा रहेगी मेरे पे, या वो ईश्वर के बराबर मेरे परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर कृपा रहेगी। इतने हादसों के बाद भी मुझे बचाया, तो मुझे मानना पड़ा दोस्तों कि यस आई एम ए इंसेंट पर्सनैलिटी। वो इंसेंट फैसिनेशन मेरे को शराब के लिए नहीं है दोस्तों, सेक्स के लिए भी आता है। वो इंसेंट फैसिनेशन मेरे को वो पैसे के लिए भी आता है, मटेरियलिस्टिक के लिए भी आता है, मेरे को उसको दबाना पड़ेगा। वो रिलेशनशिप में भी आता है। क्या ये मौसी ऐसा बोलती, इसको समझ में नहीं आता क्या? तो वहां पे मुझे पहला कदम बताता है, चेक यूर मोटिव, चेक यूर पर्सनल रिलेशनशिप। इमोशनल अनमैनेजेबिलिटी में सवाल है, पर्सनल रिलेशनशिप कैसे दे रहे? तो आज मेरे पर्सनल रिलेशनशिप ठीक ठाक हो रहे, पूरी तरह से ठीक नहीं है। आज भी इंसेनिटी आ रही है। थोड़े दिन पहले वाइन शॉप के बाहर खड़ा था, वो इंसेंट थॉट आ गया, अरे ये ब्रांड की मैंने पी नहीं है, ये ब्रांड की तो मैंने पी नहीं, ये डबल माल्ट है, मैंने पिया ही नहीं, मैं बार में काम करता था।
ये डबल मार्क मैंने नहीं पी, ओक में है ना ये नहीं पी, थोड़ी पिएगा क्या? मैंने खुद को समझाना पड़ता है, अब एक बार का शराबी मरते दम तक का शराबी, एक बार पीने बैठेगा तो उठेगा नहीं, ये प्रयोग मत कर। एक छोटे बच्चे को है ना दूध, जो गर्म दूध रहता है वो पीता है ना, तो पहला घूट पीने के बाद उसको जीभ जल जाती है, तो दूसरे बार वो फूक फूक के पीता है। मैंने 14 साल वो शराब को है ना दोस्तों हर दिन हराने के लिए डेली पीने की कोशिश की है, मैंने उसको छोड़ा नहीं है। मेरा एक दोस्त था, आज भी है, हम लोग ट्रेकिंग पे गए थे दोस्तों, ट्रेकिंग पे गए, वहां पे उसको पैर में मोच लग गया, वो मोच लग गया और उसके पैर में सीजे आ गए, अभी पैर की जख्म जल्दी भरी नहीं जाती, तो 2-3 महीने लग गए। उसके बॉस ने उसको चिल्लाया, उसकी माँ ने उसको चिल्लाया, उसकी बीवी उसको बोली है देख लव मैरिज किया है, 2 बच्चे, इसके बाद दारू पिएगा तो छोड़ के जाऊंगी। और थोड़े दिन बाद हमने उसको फोन किया, क्या रे क्या कर रहा है बेल, काय कर दो इसको, बोला कुछ नहीं बेटा हूं मैं, बोला आना संडे मूड बनाने, बोला नहीं नहीं मैं नहीं आएगा, अरे बोला क्या हो गया ऊपर से क्या हमोसे है क्या एकादशी है क्या पगार नहीं हुआ क्या मैं पिलाता हूं, बोलता नहीं आप दारू नहीं पीने का, मैं बोला क्यों रे छोड़ दिया, बोलता हाँ, बोला कभी, बोलता 3-3.5 महीना हो गया, तो बोला क्यों अबे पिछले बार पैर टूट जाता था साले पागल है क्या इस बार पिएगा। मैं दोस्तों ये अल्कोहलिज्म के हाईवे पे हर दिन चला, कभी पैर टूटवाया है कभी हाथ टूटवाया है कभी कमर टूटवाई है, और मैं डेली यही सोच के चलता हूँ कि इस बार नहीं इस बार मैं इसको हराएगा, गाड़ी के बीच में नहीं आएगा, अल्कोहलिज्म के हाईवे से मैं निकल जाऊंगा। और वो मेरे को एक वाक्य बोला, कैसा है भाई तू मेरे को पागल बोल, तू मेरे को खिगड़ा बोल, कुछ भी बोल चलेगा मेरे को, मैं दारू पीने नहीं आएगा, मेरी बीवी मेरे लिए जरूरी है, मेरा परिवार मेरे लिए जरूरी है, मेरी नौकरी मेरे लिए जरूरी है, तू मेरे को कुछ भी बोलेगा तो भी चलेगा। और मैं बोला क्या ही आदमी है यार, मजा है क्या जिंदगी भी बिना शराब, बोलता हाँ क्या है, तू हमारे सभी दोस्तों में पढ़ाई में अव्वल था, खेलकूद में अव्वल था, तू हमसे बहुत आगे जा सकता था, मेरी माँ बोलती थी लड़का होना चाहिए अभय जैसा, और आज मेरी माँ बोलती है लड़का नहीं होना चाहिए अभय जैसा, ये क्यों हो रहा है, तेरे पागलपन के ये विचार के वजह से, ये जुनून के वजह से, वो कभी भी न बुझने वाली प्यास तुझमें लग रही है। और वो बोला कि आज तू देख खुद को आईने में, देख खुद की परिस्थिति, देख खुद की मनस्थिति, देख तू क्या कर रहा है। मैं बोला क्या हो, आज भी तो पगार कमा रहा हूं, गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही है, माँ ने माफ कर दिया, पर वही तो गलती बार बार दोहरा रहा है, वो आग के साथ खेल रहा है। और मैं देखा तो चोर में बोला नहीं यार, अपन लात मारेगा उधर पानी निकालेगा, मैं पागल नहीं, ये लोग पागल है, शराब छोड़ दिए, इनको जिंदगी जीने नहीं आएगा, बिना शराब के जिंदगी होती होती है, मेरे को अल्कोहल लेना भी बोलता है होती है, तेरे को मेरा प्रोग्राम बताता है, तू स्टेज में नहीं आना देखा, पहला पायरी था देवान, 12 पायरी की सेवा नहीं कराई, ये 12 कदम मेरे को करने पड़ेंगे, स्पॉन्सर लेना पड़ेगा, ये सब्जेक्ट नहीं है मेरा अभी, पर मैं बता रहा हूँ मैं हायर पावर में, लाइफ इज अ ड्रामा, अभय इज अ एक्टर, अभय इज नॉट अ डायरेक्टर, गॉड इज अ डायरेक्टर, मैं मेरे को नहीं चला पाऊंगा। मेरे को है ना एक किताब मेरे को एक बात बोलती है, तू करना क्या चाहता है वो होने वाला नहीं है, तू करो जो वो चाहता है फिर होगा वो जो तू चाहता है, तू उसके हवाले कर दे तेरे को ये पागलपन से निकालेगा। आज निकाल रहा है दोस्तों, आज पैसे थोड़े बहुत आते हैं, थोड़ी बहुत इज्जत भी मिलती है, पर वो पागल विचार आज निकलने की कोशिश करो, पूरी तरह से ऑब्सेशन नहीं निकले, पूरी तरह से प्रोग्राम नहीं किया, पर मेरे को एक बात समझ में आ गई दोस्तों, ए में आने के बाद क्या है कि शराब रुकाने का प्रोग्राम होता तो 14 महीने में मैं निकल जाता था, शराब रुक गई थी, ये जिंदगी जीने का प्रोग्राम है, ये वे ऑफ लाइफ, यहाँ एक जीवन जगने का राजमार्ग है, इट इज नॉट अ डेस्टिनी इट इज अ जर्नी, और ये सफर दोस्तों आसान है। हाँ थोड़ी बहुत रुकावटें आती है, पागलपन के विचार आते हैं, अहंकार आता है, मेरा काम लालसा आती है, पैसे की वो हवस निकलती है, इसको दबाना पड़ेगा। अल्कोहलिज्म का प्रोग्राम मनस्थिति बदलने का है दोस्तों, परिस्थिति नहीं, अगर मेरी मनस्थिति अभी सही होगी तो आने वाले हर परिस्थिति होगा, हर चुनौतियों का मैं सामना कर पाऊंगा, मेरे ईश्वर को मालूम है मेरी जरूरतें क्या है, वो मेरे जरूरत के हिसाब से सब मुहैया कराता है। मैं आज रिश्तों का भूखा नहीं हूँ, प्यार का भूखा नहीं हूँ दोस्तों, मेरे को ये फेलोशिप ने अनकंडीशनल लव एंड अनकंडीशनल होप दिया है। मेरे को पहले मीटिंग में मेरे ओल्ड टाइमर ने बताया था, लक्की भाई देयर इज नो होपलेस केस इन अल्कोहलिक एनिमल्स, तू उम्मीद हार मत, तू खुद को पागल मत समझ, मैं भी पागल था, इसमें से मैं निकला, तू भी निकलेगा, बस एक करना पड़ेगा, आते रहना पड़ेगा, किया तो भी आना, नहीं किया तो भी आना। और ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी दोस्तों, ये पागल शराबी को तुमने समझ के लिया, तुमने जज नहीं किया कभी, तुमने कभी पूछा नहीं क्या कांड किए थे साले, क्या राड़े किए बता मेरे को, वो चिट्ठा लिखा खोल दे रहा, तू किधर किधर डकैती डाल के आया बता मुझे,
कभी नहीं बोला, तुमने एक ही बात बोला, आते रहना भैया, पिया तो भी आएगा तो भी चलेगा, पर एक चीज करना कि सेल्फ विल रन राइट मत करना। और ये करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मैं बीच में बिना स्पॉन्सर लिए मैं खुद ही स्पॉन्सर बन गया। अभय एनोनिमस, अभय का एनोनिमस बना देता है, 12 कदम मेरा खुद में करेगा, ऐसा भी करता हूँ मैं। ये मैंने किया था दोस्तों कि खुद ही 12 कदम करेगा। स्पॉन्सर क्या होता है, वो क्या शाना है क्या मेरे से ज्यादा? ये पागल विचार आज भी मेरे मन में आते थे कभी कभी, आज भी ये पागल विचार आता है। ये छोटा तो मैटर है, स्पॉन्सर को काहे के लिए फोन करने का? नहीं दोस्तों, ये छोटा मैटर कब बना बन जाएगा ये मेरे को मालूम नहीं। मेरे को लगता है मेरा समय हो गया है तो और अब तो भाई ने बोलने का मौका दिया, सभी ने शांतता से सुना। आज दोस्तों मजा आ रहा है, शराब के टक्कर में एक पावरफुल किक मिलती है जिसे स्पिरिट कॉन्ट्रा स्पिरिटम काल गस्तक बोलता है, वो मिला है दोस्तों। ये प्रोग्राम है ना दोस्तों अध्यात्म का मार्ग है, और ये मुझे बताया गया है अध्यात्म का शिशु वर्ग स्पिरिचुअल किंडर गार्डन। कल मुकमाई हुई सोबेरिटी आज काम में नहीं आएगी, वो कल आध्यात्मिक अनुभव के ऊपर सोबेरिटी थी, आज फिर से मुझे आध्यात्मिक अनुभव की कमाई करना पड़ेगा क्योंकि कल खाया हुआ खाना आज पेट नहीं भरता दोस्तों, आज मुझे खाना खाना पड़ेगा। वैसे आध्यात्मिक अनुभव कमाने के लिए ईश्वर के हवाले करना पड़ेगा। एक का प्रोग्राम एक सिंपल लाइन में आता है, एक का प्रोग्राम क्या है, माई लाइफ माई विल टू गॉड विल, ये प्रोग्राम है बस, मेरी इच्छा से परमेश्वर की इच्छा, इट इज अ की स्टोन। बिल कहता है एज बिल सीज इट में, थर्ड स्टेप को क्या बोलता है वो की स्टोन ऑफ ऑल स्टेप, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे को ये करना पड़ेगा। पर मेरे को इससे पहले देखना पड़ता है मैं इंसेन हो गया, बहुत इंसेन हो गया, बहुत इंसेन। तो इंसेनिटी आज एक एक दिन के हिसाब से कम करने की कोशिश है। ये चंद्रपुर फेलोशिप का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, आप लोग ने शांतता से सुना, धन्यवाद। हेलो, हेलो भैया।